बलरामपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, गैसड़ी विधायक स्वर्गीय एसपी यादव को दी श्रद्धांजलि। विपक्षियों पर जमकर बोला हमला, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव शनिवार बलरामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गैसड़ी के विधायक स्वर्गीय डॉक्टर एसपी यादव को श्रद्धांजलि दी और शोक संतृप्त परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। बलरामपुर जनपद के गैसड़ी विधानसभा के विधायक डॉक्टर एसपी यादव की बीते 26 जनवरी को मृत्यु हो गई थी। इनके दिवंगत आत्मा की शांति हेतु सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बलरामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय डॉक्टर एसपी यादव के आवास पर पहुंचकर परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और उन्होंने कहा कि स्वर्गीय डॉक्टर एसपी यादव गरीबों के मसीहा थे। उन्होंने जीवन भर गरीब मजदूर मजलूम लोगों की सेवा की। वे नेताजी के बहुत ही करीबी एवं मेरे परिवार के सम्माननीय थे, इसलिए हम सभी को उनके निधन पर बेहद दुख है। कम से कम शुरुआत तो कर गए, ये बात अलग है कि वो कामयाब नहीं हुए। बीजेपी के लोगों ने कुछ जादू चला दिया, क्या किया उस बारे में मैं नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन जो बात उठी है जाति जनगणना आबादी के हिसाब से हक और सम्मान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी यही तो चाहते थे। हमारा संविधान यही तो रास्ता दिखाता है। हमारा संविधान ये कहता है कि हर जो पिछड़े दलित हैं उनको विशेष अवसर, आबादी के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो 90% लोग इस पीडीए में शामिल हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे बचेगी? भैया ये बताइए, आपकी पार्टी वो चाहे नीतीश कुमार जी हो चाहे आप, है ना, जातीय जनगणना की बात करते थे, अब नीतीश जी जो है एनडीए में शामिल हो गए हैं, आपकी जातीय जनगणना का क्या होगा? नहीं, उनके जाने से मुद्दा थोड़ी खत्म हो जाता है। हमें तो बधाई देना चाहिए नीतीश जी को, कम से कम शुरुआत तो कर गए। ये बात अलग है कि वो कामयाब नहीं हुए। बीजेपी के लोगों ने कुछ जादू चला दिया, क्या किया उस बारे में मैं नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन जो बात उठी है जाति जनगणना आबादी के हिसाब से हक और सम्मान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी यही तो चाहते थे। हमारा संविधान यही तो रास्ता दिखाता है। हमारा संविधान ये कहता है कि हर जो पिछड़े दलित हैं उनको विशेष अवसर मिलने चाहिए, जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें विशेष अवसर मिलने चाहिए, तो आखिरकार क्यों नहीं मिले? तो उस दिशा में जो काम किया है, अगर वो काम पूरा नहीं कर पाए हैं तो समाजवादी लोग उस काम को पूरा करेंगे। आप यात्रा में शामिल होंगे? देखिए मुश्किल तो यह है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण? जैसे राम मंदिर में तो निमंत्रण मिला था आपको, अपने आप मांगने से मिला। जब आवाज उठाई हम लोगों ने कि बताओ हमारा घर गंगा जल से धोया, तब सुनने में आया कि उन्होंने कहा निमंत्रण दे दो, ठीक है इनको। अभी आप गए नहीं, कब तक जाएंगे दर्शन करने? वो समय आएगा। मैंने आपसे कहा कि ये देखिए जो समय है, समय के हिसाब से सब चीजें होती हैं, और भगवान हमें बुलाएंगे तो हम जाएंगे, और कब उनकी इंडिया गठबंधन बनेगा, कब कब इच्छा हो जाएगी बुलाने की, अभी तो भगवान ही जानते हैं। अगर उससे अलग कोई बात, कितनी शेयरिंग आप चाह रहे हैं यूपी में, कितनी? नहीं नहीं, गठबंधन जीत ही है, जो जीते वो सीट ले, जीत ही आधार है हमारा, बंटवारे का सीट। वो तो जीत तो बाद में होगी, पहले तो बंटवारा होगा। आप भी कुछ चीजें जानते हो, माली सरावस्ती है ये जिला है, गठबंधन जीता था, आप और हम जानते हैं कि क्या समीकरण होना चाहिए। अगर बीजेपी ये कदम उठा दिए तो हम ये कदम उठाएंगे, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो जब समीकरण से चुनाव हो रहा है तो हम भी अपना समीकरण से इंतजार करेंगे। वेट एंड वॉच क्यों? नहीं वेट एंड वॉच क्यों, हमने देखा नहीं आपको अनाउंस कर दी सीटें, तो हमें पता है कि समीकरण क्या बनाना है। कांग्रेस करी, हमसे पूछा नहीं गया। नहीं, ये जिस स्तर पे बात होनी चाहिए थी उस स्तर पे बात हुई है, और जानकारी जिस स्तर पे देनी चाहिए उस स्तर पे जानकारी दी है, और गठबंधन होगा, बातचीत हो रही है, और लगातार हम लोगों का प्रयास रहेगा कि गठबंधन मजबूत हो। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।